मैरी क्रिसमस। तो क्रिसमस है और क्रिसमस में हम बनाते हैं बहुत तरह के केक्स और डेजर्ट्स। उनमें से फेमस जो बनती है वो है हमारी ये रम बॉल्स, जो हमें हर बेकरी शॉप में मिलती है, स्वीट शॉप में मिलती है। और सोचते हैं क्या ये घर पे बना सकते हैं? यस फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा बॉक्स आप खुद से घर पर बना सकते हो और आज हम यही बनाएंगे। पर क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? तो ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए झटपट से बनाते हैं ये यम्मी रम बॉल्स क्रिसमस पे। तो रम बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए केक। मैंने ये मार्केट का केक यूज़ किया है, चॉकलेट केक है। आप कोई भी फ्लेवर का केक यूज़ कर सकते हो। और घर पे भी कई बार हम केक बनाते हैं और बच जाता है, आप वो केक यूज़ कर सकते हो। फ्रेश केक बनाना चाहो तो आप फ्रेश केक भी बना सकते हो। मुझे ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बनानी थी जो लोगों को ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, बट बहुत डिलीशियस खाना खाना पसंद है और इंस्टेंट हम जो चीज़ें बना सके क्रिसमस पे, तो इसलिए मैंने मार्केट का ये बाज़ार का जो मिलता है चॉकलेट केक वो यूज़ किया है। और मैंने इसके अंदर ऐड किया है मैरी गोल्ड, जो मैरी के बिस्किट्स आते हैं वो ऐड किया है। आप कोई भी फ्लेवर का बिस्किट भी ऐड कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। और इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप रम बॉल्स बनाएं तो ज़रूर टैग करिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लेट्स कुक स्कम्पशियस पर। इसके अंदर मैंने ये ऐड किया है बेरीज, जो कि मैंने इनको रम में भिगो के रखी थी, एप्रिकॉट, किशमिश, क्रैनबेरीज, और कुछ मैंने इसके अंदर डाला है वॉलनट्स, अखरोट। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नटमेग, यानी कि जायफल का पाउडर, टोटली ऑप्शनल है। और अब इसके अंदर मैंने ये डाला है हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट, जो कि है रम। 60 ml रम मैंने डाला है। तो 2 पैकेट चॉकलेट केक के थे और 1 पैकेट मैरीगोल्ड बिस्किट का था, 10 rupees वाला। उसके अंदर मैंने 60 ml डाला है रम। अगर आप रम नहीं पीते हो तो आप इसकी जगह ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हो, बट वो रम बॉल्स नहीं होंगी, वो ऑरेंज जूस बॉल होंगी, राइट? पर ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हनी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें हनी ऐड किया है, वो स्वीटनेस भी देगा एंड प्लस हमारे जो बैटर है उसको थोड़ा शाइन भी देगा। तो अब ये आटे की तरह आपको इसको कंबाइन करना है, गूंदना है, और फिर आप इसकी बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स बनाओगे। और आप ये देख सकते हो कि हमने 2 पैकेट केक और 1 पैकेट बिस्किट लिया था, उसमें 25 के करीब ये रम बॉल्स बन गई हैं। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में फ्रीज करने के लिए 30 मिनट्स। आप नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हो, बट उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब कोटिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया है कंपाउंड चॉकलेट, इसको मैं चॉप करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो, आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप वो चॉकलेट का ले सकते हो। तो ये चॉकलेट हमारी चॉप हो गई है, अब हम इसको करेंगे मेल्ट। मेल्ट करने के 2 ऑप्शन हैं, आप डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने गैस पे किया है। एक पैन लोगे, उसमें थोड़ा पानी डालोगे और कांच का आपको ये बोल लेना है और उसके अंदर हम अपनी चॉकलेट डालेंगे, या फिर आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हो। माइक्रोवेव में एक ट्रिक है आपको जो ध्यान में रखना है, पहले 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव करोगे फिर उसे बाहर निकालोगे, फिर 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव करोगे फिर उसे बाहर निकालोगे, एंड देन 20 सेकेंड्स से 30 सेकेंड्स में आपकी जो चॉकलेट है माइक्रोवेव में मेल्ट हो जाएगी। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा आप डालोगे बटर। मैंने डबल बॉयलर में करी हूँ तो मैंने यहाँ पर पहले ही बटर डाल दिया था। बटर भी टोटली ऑप्शनल है, बट शाइन आ जाती है हमारी चॉकलेट में, जैसे कि आप ये देख सकते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया था। अब हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब हम एक एक करके इसके अंदर हमारे रम बॉल्स को डिप करेंगे और कोट करेंगे। तो ये हमारे फ्रीज़र से निकले हुए रम बॉल्स बहुत ही फर्म हो गए हैं ये, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़र में रखा था। अब मैं इनको डिप करूँगी चॉकलेट में, तो आप ये देख सकते हो बहुत ही डिलीशियस ये हमारे रम बॉल्स बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
तो एक तो हमने चॉकलेट कोट का फ्लेवर का बनाया रम बॉल, दूसरा हम बनाएंगे जो ऑथेंटिक बनता है कोको पाउडर से। तो कोको पाउडर के मैंने 2 चम्मच लिए और साथ में मैंने ऐड किया 2 से 3 चम्मच देसी खांड। आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्राउन शुगर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और अब हम इसको रोल करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये हमारा कोको पाउडर का रम बॉल रेडी है। अगर आपको ये जो रम बॉल है लग रहा है कि थोड़ा ड्राई है, तो आप हल्का सा पानी का कोट करके फिर इसको कवर कर सकते हो अपने पाउडर से। अब एक स्नो का लुक देने के लिए मैंने देसी खांड के अंदर सिंपल कवर कर दिया था, रोल कर दिया था रम बॉल को। आप पाउडर शुगर अगर यूज़ करते हो तो उससे भी आप बना सकते हो। अब फोर्थ तरह का हम बनाएंगे रम बॉल, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम जो कि सॉलिड बना देगी हमारे इस चॉकलेट को। आप ये देख सकते हो कि ये थोड़ा सॉलिड बन गया है। अब हम इसको अच्छे से कोट करेंगे अपने रम बॉल्स के ऊपर। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरह का रम बॉल बनेगा। बाहर से थोड़ा सॉफ्ट चॉकलेट और अंदर हमारा रम का फ्लेवर है इसके अंदर। और इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्प्रिंकल कर सकते हो इस पर कोई भी चीज़, जैसे कि आप स्प्रिंकल्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, सौंफ आती है आपकी, या आप, मैं इसके अंदर जो कोट कर रही हूँ वो करूँगी वॉलनट्स से। तो छोटे छोटे चॉप कर लीजिए आप वॉलनट्स और फिर उसके बाद आप इसको कवर करिए। तो ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देता है और बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। और जब आप इसको खाते हो क्रंची फ्लेवर आता है जो वॉलनट्स का, बहुत ही फ्रेंड्स अमेजिंग लगता है। तो हमारे रम बॉल्स रेडी हैं। इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर लगाया है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आप भी इस तरह के बॉक्स के अंदर लगा सकते हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में गिफ्ट कर सकते हो क्रिसमस पे। फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस।